खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र के फरमान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध मौतों का कोरोना टेस्ट बेहद जरूरी है। राजस्थान में अब तक 50 ऐसे मरीज सामने आ चुके हैं जिनकी मौत के बाद लिए गए सैंपल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे में संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। अगर किसी कोरोना मृतक का बगैर प्रोटोकॉल फॉलो करे अंतिम संस्कार किया गया तो काफी तादाद में लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध मरीज की मौत पर कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। 74.24 मतलब 100 आदमी अगर पॉजिटिव है तो 75 आदमी उसमें से रिकवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट। इससे ज्यादा रिकवरी रेट क्या हो सकती है? एक कंट्री में नंबर वन है। भारत सरकार ने 10 बड़े राज्यों के डाटा जारी किए, अभी उसमें राजस्थान टॉप पे है। हर में एक्टिव केसेस के मामले में हमारे केसेस बहुत कम है, करीब 2500 केसेस एक्टिव केसेस है। पॉजिटिव केसेस 11000 हो सकते हैं, एक्टिव केसेस उसमें से 2500 रह गए और रिकवरी रेट 8000 से ज्यादा रिकवर हो गए, तो 74.24% होना अपने आप में उपलब्धि है। ये हमारे इंतजाम जो किए हैं मुख्यमंत्री जी के माइक्रो लेवल प्लानिंग का कमाल है कि राजस्थान में जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी रिकवरी इतनी शानदार है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो जी। ये मैं समझता हूँ क्योंकि 5,18,350 टेस्ट किए हमने पूरे कंट्री में, 40 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं अब तक, उसमें राजस्थान ने 5,18,350 टेस्ट किए हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जीरो से हमने शुरू किया था 2 मार्च को, आज 25,150 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है और 15 दिन बाद 40,000 टेस्ट पर डे करने में हमारी स्थिति होगी जो कि कंट्री की हाईएस्ट स्थिति होगी। ये हमारे बराबर काम चल रहा है और जो 15 जिलों में हमने टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू की है, अभी तक 21 जगह पे हो रही 15 जिलों में। कल एक जिले को और परमिशन मिल गई सिरोही को, वो 16वां जिला हो गया और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है हर जिले में जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी हो। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान, क्योंकि कोरोना के बारे में कोई नहीं कह सकता कब तक चलेगा ये जी। कोई कह रहा अगस्त में पीक आएगा, कोई कह रहा सितंबर में पीक आएगा। ऐसी परिस्थिति में वेल इक्विप्ड होना चाहिए। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था इसको हमने फुली यूटिलाइज किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राजस्थान में, और उसी के तहत जैसा मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की इच्छा है 33 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। 1 महीने में ये टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे ताकि किसी को भटकना नहीं पड़े। अब ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेने वाला स्टेट हमारा और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं।